उम्रे पे गए हैं, रोज़े की हालत में याद ही नहीं रहा कि कमरे में बीवी के सामने कपड़े चेंज कर लिए हैं, इससे वजू और रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा? कुछ भी नहीं टूटता। ये भी बड़ा मशहूर है कि जी एहराम, आपने जिन कपड़ों में एहराम है इन्हीं कपड़ों में ही करना है। एहराम का नाम कतन ये नहीं है कि दो चादरें जो आपने ली हैं इसी में आपने पूरा करना है। आप रोजाना 10 दफा एहराम बदलें एहराम की हालत में, लेकिन सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। ठीक है, किसी को नाइटफॉल हो गया, इतलाम हो गया, अब वो बेचारे वो लोग गुसलखाने में वही चादर धो रहे होते हैं कि इसी चादर में आराम करना है। यार आप रोजाना हर नमाज का चादरें बदलें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला ये कि आपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनने। और ये जो एहराम की चादरें हैं ये नबी अलैहिस्सलाम का अमूमी लिबास था, जैसे हम कुर्ता शलवार पहनते हैं ना, आप का अमूमी लिबास यही था। इसलिए हदीस में आता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किया था कि हमने बगलों की सफेदी देखी। कुर्ते में तो बगलों की सफेदी नहीं नजर आती, वो बेसिकली आप ने यूं चादर ली होती थी, जब आप किसी के लिए यूं दुआ करते थे ना तो बगलों की सफेदी। तो ये आपका उमूमी लिबास है, था दो चादरें नीचे वाली और ऊपर वाली, ये उमूमी लिबास था। तो ये लोगों में वैसे ही मशहूर है, कपड़े बदल लिए या किसी बंदे ने कपड़े बदल लिए तो उसका वजू टूट गया, किसी के सामने बदले या अकेले में बदले। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई किसी मर्द, कोई मर्द के सामने अपनी शर्मगाह ना खोले, कोई औरत औरत के सामने ना खोले, ये बुखारी में है। लेकिन बीवी के साथ तो वो मसला नहीं होता ना, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप बीवी के सामने कपड़े उतार के चले जाएं। ये भी गैर अखलाकी हरकत है ना, बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत है। और मेरा ख्याल नहीं कि इस तरह कोई करता होगा। वो कपड़े चेंज करने का मतलब यही होता है कि कुर्ता ऊपर पहना होता है, पहले शलवार उतारी फिर वो पहन लिया, या वो तहमत खोल के पहन ली, कोई अर्ज नहीं, आप बदल सकते हैं। और एहराम भी सफ़ेद लिबास नहीं है सिर्फ, आप जो मर्जी लिबास एहराम में हो, ठीक है, सिर्फ पीले रंग को आपसे सबने मना फरमाया, वो जो डार्क पीला, ये जो ये साधुओं का होता है ना, ये वो जो हिंदू साधुओं का, ये लिबास साबित है, लेकिन एहराम के लिए मना किया गया। आम हालत में ये पहन भी सकते हैं, ठीक है जी। मस्जिद देखिए, एक एक सवाल में मैं कई कई जवाब दे रहा हूँ, इसलिए कि ताकि चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ जाएं, लोग पूछते हैं, मुझे भी कोई रिकॉल हो जाती है।